सो हेलो कृष्ण गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी बज रहे सुबह के 7:30 या 7:45 कुछ ऐसे ही हो रहे हैं, और मतलब 7:45 ठीक है, उसको मेरे को हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं। और अभी हम जा रहे थे साइकिलिंग करने, मैं और मेरे दो दोस्त जो है वो पीछे आ रहे हैं अभी, और मैं सबसे आगे चल रहा हूँ। अभी हम सीधे जा रहे हैं लोधी गार्डन साइकिलिंग वगैरह करने के लिए, और ये देख सकते हैं आप लोधी रोड है, पूरा लोधी रोड है ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सिर्फ सीधा लोधी गार्डन, और मिलता हूँ फिर मैं आपसे वहाँ पे। सो गाइस वी आर एट लोधी गार्डन, एंड ये दक्ष भाई ठीक है, ये सक्षम मिट्टू डॉन का बहुत बड़ा फैन है, बहुत चल कर दिखा मिट्टू डॉन कितने की बारी ठीक है। और सुबह सुबह बहुत भीड़ हो रखी है, जैसे देख सकते हैं आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर, और पूरा पीछे तक खड़ी वहाँ पे। और अभी चल रहे हैं लोधी गार्डन के अंदर ठीक है, और अच्छा पकड़ो धरो से धरो से धरो चल रहा फटाफट से अंदर ठीक है। वाह चलो मिलते हैं अभी। तो गाइस अभी हमें अपने पहले वाले स्कूल की बचपन की बात एक याद आई है, सक्षम को याद आई है, वो बताएगा ठीक है अभी आपको। चल बता भाई, हम ना 6th क्लास में थे, तो ना मैं और भव्या मतलब ये दूसरे सेक्शन में था, ये दूसरे सेक्शन में था। हाँ। ये पहली बार हमारे दूसरे स्कूल से निकल गया था। हाँ। निकाल दिया था इसे हमारी ना सीट मतलब कंफर्म हो गई थी कि हम दोनों साथ में बैठेंगे, और एक और लड़की बैठती थी हमारे साथ ना आरोही। अब भाई हमारे को ना मतलब वो कुछ बेचारी बोलती नहीं थी, मतलब वो चुपचाप बैठ रहती थी, अपना काम वाम करती रहती थी, रेडली सी थी। हाँ, थोड़ी मतलब थी वो, चल कोई नहीं कोई चुप है गंद मचाने वाली थोड़ा ना। अब भाई भाई ना खड़ा हुआ, तो जैसे ना मतलब हम लोग ऐसे एक्सचेंज कर लेते थे कि तू पहले एक दिन दीवार की साइड बैठेगा, मैं बीच में बैठूंगा और ये उसमें बैठेगी, मतलब जहाँ से साइड में एकदम है ना, तो उसकी बारी थी बाहर बैठने की, और भव्य बैठा भाई दीवार पे। अब वो कुछ बोलती नहीं थी, अब भव्य भाई जाते जाते ऐसे डांटता था भाई। एक दिन तो ना वो बंदे मतलब क्लस गई, कह रही कि ना तुम्हारे फ्रेंड ऐसे ही बोलते सब कुछ। पैंट कैसी है फ्रेंड? अब पैंट नहीं फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड सब ऐसे ही बोलते हैं ये दक्ष इस बात है। और एक बारी तो खड़ी बैठी इतनी गंदी लगा रही थी क्लास वालों ने, इन्होंने एक दिन फिल साई दिया पसली में, इतनी तेज घसंड मारा इतना भव्य ने। ओ भाई ओ भाई लकी है। अब भाई मैं बताते एक बात का बताते हूँ, याद आई अभी, हम थे क्लास 6th में, तो भाई हमारे ना अबे दो मिनट रुक दो, तो ना भाई हमारा ना पेपर कर दूंगा मैं से। हमारा ना मिड टर्म का पेपर था भाई संस्कृत का। अब देख यार चुप और सुन तो लो यार, सुन लो ठीक है। तो ना भाई मार करी तेरे लग जाएगी, तो ना भाई हमारा पेपर था मिड टर्म में संस्कृत का, संस्कृत का पेपर था हमारा। अब यार मैं तुम्हें कुछ सुना रहा, सुन लो ना एक बारी। हमारा मिड टर्म में पेपर था संस्कृत का क्लास 6th में, तो ना भाई ये मैं बैठा सबसे आगे, ये भैया बैठा सबसे पीछे से, ये सक्षम। अब पता नहीं ये मेरे को कब आवाज लगा रहा, मेरे को आवाज कारण तक आवाज पड़ भी नहीं थी मेरे। और भाई पेपर खत्म हुआ, हाँ पेपर खत्म हुआ, जाओ हाँ भाई हेडर की लड़का उठी नहीं ना, उठी नहीं ना, मैंने कहा हुआ क्या बताता हूँ, हुआ क्या बताता हूँ, कर तेरे को मैंने इतनी आवाज लगाई तेरे को सुना नहीं ना, बताया नहीं पेपर में। फिर मैंने कहा तू भाई आवाज ही नहीं आई मेरे को, नहीं तो बताते नहीं मैं तेरे को भाई, किलोजियो कह रहा मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे दोस्त, जाओ तुम यहाँ से, ये वो मेरे को बताते नहीं पेपर में हो कभी भी। ऐसा भाई कंटिन्यू बैठ के रोने लग गया भाई। फिर ना एक दिन हमारा मतलब फाइनल मतलब मिड टर्म ही तो था वो, जिसमें तेरे मतलब सबसे टॉप नंबर आए थे भाई। ये ना भव्य जो है ना भाई बार बार आए, तो मैं ना इनसे गुस्सा हो गया। अब भाई उस टाइम पे ना अब्बा ने बोला कि ना मेरा कौन सा सही गया, मैंने कहा तू लिखता लिखता तो ऐसे है कि सारे तूने सही करेंगे भाई। अब मैं ना चला गया भाई, मेरे पास ना बस दे उस टाइम पे ना मतलब हमारी इतनी कैडी दोस्ती थी,
कि मतलब कुछ भी कर देंगे है ना। वासुदेव आया, उसने बोला कि ना भगवान ना रो रहा है। तो क्यों क्या हो गया? कह रहा शायद ना तू चला गया ना इसी वजह से रो रहा है। भाई अब ये ना बोले ना, अब ना ऐसे रख के ना वो बस रो रो जाए, रो रो जाए। अरे रुक तो सही यार, अरे रुक तो सही है ना। हम मतलब हम वहाँ पे पहुंचे, ये मोटे के वाला की दिक्कत है, सुन नहीं रहा है ना भाई। हम लोग पहुंचे वहाँ पे, मैंने कहा भैया क्या हो गया, रो रो जाए। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कह रहा भाई मेरा ना संस्कृत में बनना तो ठीक नहीं है। मैंने कहा तो इस बात पर रो क्यों रहा है भाई, हमारा कौन सा अच्छा गया है ना भाई। उस टाइम पे ना मतलब इसका भैया था 11th क्लास में, सगा भैया मेरा दिव्यांश भैया। तो अब हम ना उसको बुला के लेकर आए कि ना भैया ऐसे ना भव्य रो रो जा रहा है, क्यों रो रहा है? पेपर अच्छा दिया मेरा, पेपर अच्छा नहीं गया। किस कौन सी क्लास में? 6th क्लास में, संस्कृत पेपर, संस्कृत पेपर। मैं रो रहा हूँ दबा के कि घर वाले कूटेंगे, उनको पेपर अच्छा दिया मेरा। अब तब पेपर गिरा पड़ता तो भाई कोई भी है भाई। इसके भैया आए, उन्होंने बोला कि हाँ चलो ठीक है तुम जाओ, भाई अपने दोस्तों के साथ में मतलब आए, चल खड़ा हो घर जाके रोइए। कैसे बोले कैसे बोले बाबू बोली भाई, यूं करके ना इसके हाथ का रुक जा इसका ना भाई, देखो ना ये ऐसे करके रो रहा है ना, तो यहाँ पे करके चल घर चल के रोइए। वो मार मार जा 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 पास को पास। गाइस अब आप देख सकते हो एंटरटेनमेंट और हमारा तगड़ा वाला आपका वो पत्थर ले लिया उसने। ओए ओए बस 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 ओए बस आ जा। हाँ फिर तो भाई दो तीन दिन बाद में जैसे ना मतलब मिड टर्म के बाद में ना पेपर वगैरह दिखा देते हैं कि कितने किसके मार्क्स आए भाई, चल के मनाओ ना। अरे रुक ना, अपन के ना तू निकल पूरे सारे मतलब कि ना बस वासुदेव को छोड़ वो तो भाई छोड़ो उसकी तो बात ही नहीं डाली है। मतलब ठीक ठीक नंबर आए, मतलब 50 के आसपास आए थे। ओ 50 के आसपास चुप रहा है ये इसके, क्या बोलो मैं। हाँ चल आगे बोल आगे बोल भाई। सर आए हमारे मतलब जो हमारे संस्कृत पढ़ाते द्विवेदी सर आए। बेटा सबने बोला हाँ जी सर, कह रहे ये भव्य कौन है? और भाई भव्य के ना लुपुक लुपुक चालू कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया पेपर में कि ये सर मेरा नाम ले रहे सीधा, कह रहे ना तो मैं इतना टॉपर। ठीक है भाई आए, तेरे भव्य कौन है? तो इसने बोला कि हाँ जी सर मैं हूँ। कह रहे बेटा सब ताली बजाओ, ये बच्चे के ना 58 पता नहीं 56 कुछ नंबर आए थे, 60 में से 60 में से 58 58.5 आया था ऐसे करके कुछ। मेरे मेरे हाँ पहली बार जिंदगी में। मैंने तो ठीक से पढ़ा नहीं और मेरे तो अच्छे नंबर आ गए। तो भाई यही यही था बस। तो भाई फिलहाल तो हम रुके लो दिखाते हैं, हम बाहर आ चुके थे ठीक है, और अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा। क्या हुआ? 46 लाया था तू सिर्फ? ओ भाई यार 46 हमारा बिल हुआ था, क्या बात है। चल कोई नहीं, ये खड़ी कर ले। और अभी हम कोक वगैरह पी रहे हैं, सक्षम भाई ये रहा, और अब मैं ले रहा हूँ चिप्स वगैरह कुछ, और फिर से मिलता हूँ ठीक है आपसे मैं। तो गाइस अभी तो हम आ चुके हैं वापस से लोधी गार्डन में ठीक है। जैसे आपको पता ही है हम थोड़े दिमाग से है तो क्रैक ही, पहले लोधी गार्डन से बाहर चल जाते फिर वापस आ जाते हैं हम लोग। और इस बार हम लेके आए कुछ खाने पीने का सामान जो कि सक्षम भाई के हाथ में ये रहा ठीक है, और वो मोटी चैन मोटा पैसा आगे जा रहा है वहाँ पे ठीक है। और हाँ अब हम चल रहे हैं फटाफट से, खाएंगे पियेंगे और उसको मिलते हैं आपसे। वही वाला है तो गाइस अभी तो हम पी रहे हैं कोक ठीक है मेरी। सक्षम भाई दिखाओ, अबे जीते हम थर्ड आए हैं तो मतलब क्या इज्जत है तुम्हारी, क्या इज्जत है तुम्हारी ठीक है। अब हम और थोड़ा सा कुछ खाएंगे पियेंगे बढ़िया, मतलब पी तो रहे हैं कुछ खाएंगे और फिर मिलते हैं आपसे। ओके गाइस गब्बू के पास है। तो गाइस अभी हम खा पी के निकले हैं और यहाँ पे जिम में आए हैं, ओपन जिम में। और दक्ष ने एक चैलेंज दिया है कि हमको ये उठाना है ठीक है, ये उठाना है और खुद पहले ये खुद से उठाएगा पहले ये उठा से उठा। ओ देख के सर मत लगवा लियो अपने,
नहीं उठा पाया। दस है कितने किलो का? फिर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा पहले, तू जा। है कितने किलो का? सर देख के अपना, सर देख के अपना, सर देख के वैसे करना। उठा तो लिया, सही तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना काफी ले बना, मैं उठा तो। आ, 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 देख के देख के ओ बेटे ने उठा दिया, दिखा इसको पकड़ मैं ऊपर उठाता हूँ। मोटर भले तेरे पे नहीं उठाया गया था भाई, मैंने उठा तो लिया था यार। अरे सर नीचे करना, ये देखो भाई ना, पूरा लेफ्ट हैंड साइड से भी नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा। अबे 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। गाइस इसने दक्ष ने भी बनाया 73 में 73 और सक्षम छोड़ दिया, बहुत हल्का क्योंकि वो, कोई नहीं सक्षम, चल हाइट आ जाएगी तेरी। चल 1, 2, 3, 4 करना, 5, 6, 7, 8, 9।